हरियाली अमावस्या 2023 की जानकारी आपको देने जा रहा हूं। इसके पहले मैं आपको सौप्रेम नमस्कार करता हूं और शुभ तिथि चैनल पे आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोग अभी तक शुभ तिथि को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले शुभ तिथि को सब्सक्राइब कर लें ताकि एक से एक अच्छी जानकारी आप तक धर्म कर्म पर्व त्योहार की मिलती रहे। हरियाली अमावस्या 2023 सोमवार के दिन 17 जुलाई 2023 को होगा। अमावस्या तिथि की जो शुरुआत है 16 जुलाई 2023 रात को 10:08 से शुरू होगा और अमावस्या तिथि की जो समाप्ति है वो 18 जुलाई 2023 दोपहर 12:01 पर समाप्त होगा। इस हिसाब से हरियाली अमावस्या सोमवार 17 जुलाई 2023 को मनाई जाएगी। हरियाली अमावस्या का दिन शिव भक्तों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इस दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है, क्योंकि सावन के महीने में चारों तरफ हरियाली होती है, इसलिए इस त्यौहार को हरियाली का त्यौहार कहा जाता है। इसके अलावा इस दिन विभिन्न मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए पौधे भी लगाए जाते हैं। उस दिन अगर आप एक पौधा लगाते हैं और आपके मन में कोई चाह है, कोई मनोकामना है, तो वो पूर्ण होगा। इस तिथि को पौधों के माध्यम से संपन्नता और समृद्धि प्राप्त की जा सकती है। हरियाली अमावस्या के दिन दान, ध्यान, स्नान करने का विशेष महत्व है। अगर आप गंगा के आसपास रहते हैं, यमुना के आसपास रहते हैं, या आप स्नान करना चाहते हैं पवित्र नदियों में, तो हरियाली अमावस्या के दिन स्नान जरूर करें। आपके क्षेत्र में जो भी पवित्र नदी है वहां पर स्नान करने से बहुत शुभ होता है। भारत के उत्तरी राज्यों में जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में हरियाली अमावस्या बहुत ही प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र में इसको गतारी अमावस्या कहते हैं, आंध्र प्रदेश में इसे चुकल्ला अमावस्या कहते हैं, उड़ीसा में चितलगी अमावस्या के रूप में जाना जाता है। तो देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, परंपराएं अलग अलग होती है, पूजा पाठ करने का ढंग अलग होता है, तिथि एक ही होती है, पर लोग उत्सव पर्व त्योहार अलग अलग तरीके से मनाते हैं। तो अगर आप भी हरियाली अमावस्या की पूजा करना चाहते हैं तो सुबह उठ जाएं, गंगा जल या पवित्र जल से अपने पूरे घर को साफ सफाई करें या छिड़क दें, शिवलिंग पर जल दूध जरूर अभिषेक करनी चाहिए। अभिषेक के बाद बेलपत्र, दुर्वा घास, कुसा, कमल, नीलकमल, जवा फूल, कनेर, राई फूल शिव जी को जो बहुत पसंद है वो जरूर चढ़ाएं। भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए आपको। ध्यान के पश्चात ओम नमः शिवाय से शिव जी का पूजन करें, आरती कर प्रसाद वितरण करें, आपके लिए बहुत शुभ होगा। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं, आपके घर खुशियां हो, धन दौलत हो और निरोगी काया रहे। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर भी करें। एक बार फिर से आप सभी को सौप्रेम नमस्कार करते हुए मैं अब यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। धन्यवाद।